हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सीट के ऊपर बैठ करके बोलिए, सीट के ऊपर बैठ करके बोलिए। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय, कोई तैयारी नहीं है बहस की। अभी कल भी काल टेंशन पे एक घंटा इसी बात के लिए खराब कर दिया। सुनेगा मेरे को, आप बताइए, अब बोलिए। कल भी एक घंटा इसी बात का खराब कर दिया और आज भी 17-19 मिनट रह गए अभी तक। अगर इस पे डिस्कशन हो जाएगी तो निश्चित तौर से, अगर आपके आपके मन में किसानों के लिए कुछ भी है और आपके पास कोई विषय है तो आप इसको कंप्लीट करके किसानों की बात रखो, लेकिन आप उससे बचना चाह रहे। कौन कह रहा है चर्चा करने को तैयार नहीं है? हाँ जी भाई, जो आपके कॉलिंग अटेंशन मोशन आए थे वो रिजेक्ट हो चुके हैं। हमने आपको बताया कि एक दिन के अंदर दो से ज्यादा नहीं लग सकते। वो दिखाइए जरा, एक वाला जो बत्रा जी, बत्रा जी, आप तो बड़े कानून के ज्ञाता हैं, वकील हैं, आप नियम कानून से चलता है। दिखा दो यार, ये मैं आपको पढ़ा दूं, ये आपका ही लिखा। हाँ जी, कोई एक तो सुनता नहीं है। देखने उठाओ तो सही, अपनी सीट पे जाओ, उठाओ तो सही। आपने अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस ने राज किया, आप कोई निकाल के तो दिखाओ ये कि कब आपने इतने लगाए काल टेंशन। आप बैठो वहां पर, अब चर्चा करो। काल टेंशन मोशन, ऐसा है ये, अब आप पहले किसानों पे थे, फिर शराब पे आ गए, फिर पीटीआई पे आ गए, अब आप बाकी सारे मुद्दे अभी गिन लो, सारे गिन लो। अभी अपनी स्टेज पे जाकर किसी मुद्दे के ऊपर, आप सीट पे बैठे नहीं हो, आप एक विषय पे बोल रहे, किसानों के मुद्दे के ऊपर नहीं टिक रहे। अब किसानों का मुद्दा छोड़ दिया, जो पाप आपकी सरकार ने कर रखा, आप उसका जवाब मांग रहे। बैठो सीट पे, नहीं वेल में क्यों कह रहे, आप बैठो सीट पे, बैठो। अब आपका शो हो गया, अब चलो, अब जो करना था आपने कर लिया, अब चलिए अपने सीट पर चलिए। जो अब एक मुद्दा जो है ना, अब बेरोजगारी पे आ गए, किसी एक मुद्दे पे, कोई एक मुद्दा है भी क्या? कोई मुद्दा भी है कि नहीं? कभी डी ग्रुप कहते हो, कभी पीटीआई कहते हो, कभी किसानों का कहते हो, कभी शराब का कहते हो, किसी पे चर्चा ही नहीं, कोई भी कोई मुद्दा नहीं है। मैं मान रहा हूं, चर्चा करिए ना, मैं चर्चा करूं। ओ हुड्डा साहब कह रहे, कुछ सुन लो। ये दोनों मुद्दे बहुत गंभीर हैं,
जरा प्लीज ओ माइक से। एक पीटीआई का मामला है, एक घूस का है, दोनों पे आपकी बात। देखिए देखिए जो विषय तय किया है उसके ऊपर तो टिकते नहीं आप। आगे के मुद्दे जो चलते हैं, कल ये तय हुआ था कि इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक सुझाव दे रहा हूँ, किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, वो उस पर नहीं आते, सुझाव पे आ जाते हैं, फिर शराब पे आ जाते हैं, फिर आगे उसमें सुझाव दे रहा हूँ, डी ग्रुप पे आ जाते हैं। कोई विषय एक इशू के ऊपर है, जब आपने तय किया नहीं, मैं कह रहा हूँ किसानों के मुद्दे पर चर्चा दे रहा हूँ। अध्यक्ष जी के मुद्दे पर चर्चा करिए आप। अध्यक्ष जी मैं सुझाव दे रहा हूँ, एक सुझाव मैं दे रहा हूँ। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, हम अभी जो निश्चित, भाई सुनिए जरा, जो निश्चित एजेंडा अध्यक्ष जी ने तय किया है उसमें दो कलंक टेंशन है। हाँ जी। इसके बाद जो चर्चा हमने किसानों के प्रस्ताव पर करनी है वो प्रस्ताव के माध्यम से हो जाएगी, जैसा कल बात हुई थी। हमने तो एक पेज का प्रस्ताव रखना, बाकी तो चर्चा ही करानी है, आधा घंटा करो घंटा करो कोई दिक्कत नहीं, उसे सारी बातें अपनी कह लो। इसके बाद अगले समय में चाहे कितना ही समय लगा लो, जो मुद्दे हैं वो आप प्रश्न के रूप में उठाते जाना, जवाब देते जाएंगे, क्योंकि जवाब देना ना हमने, नहीं आप प्रश्न के रूप में उठाओ, हम जवाब देंगे। काले का टेंशन मन तो नहीं, नहीं प्रश्न ये है कि एक ऐसा नहीं है चर्चा के बाद उसके बाद सारी चर्चा कर लेंगे, लेकिन काले का टेंशन मोशन तो कराएंगे ही ना, काले टेंशन मोशन तो कराएंगे ना। काले टेंशन मोशन देते हैं, हमारा तो कभी आता नहीं। सारे किसके आते हैं ये सारे सारे विपक्ष के साझले हैं, जितने नाम इस पर आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आपके नाम नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी मैं एक निवेदन करूं, सुनिए एक मिनट, मैं निवेदन नाम पढ़ रहे हैं, अभय सिंह चौटाला, किरण चौधरी, सुरेंद्र पवार, जगबीर सिंह मलिक, भारत सिंह बत्रा, शमशेर होगी, अरे कलम तो दिए तो आपने ही है ना, आपने दिए तो कलम किए हैं, जिसका पहले नाम लिखा जाएगा आपके नाम है, सारे विपक्ष के आपके नाम है, किसके हैं ये सब आपके नाम। हुड्डा साहब, नहीं हुड्डा साहब, नहीं आपका अगर जिसका पहले आएगा उसका पहले लगेगा, नहीं जिसका पहले आएगा उसका पहले लगेगा, ये परंपरा मैंने नहीं है, ये शुरू से है, जो पहले आए हुए हैं, जो पहले आएगा इसको, जो पहले चलिए अभय सिंह जी अपना प्रस्ताव रखिए। अभय सिंह जी तो अंग्रेजी भी आने लगी, अभी मैं खरी कहूंगा, मेरी यहां बैठ के सुन ले के कहूंगा, स्पीकर सर अभी सदन के बहुत से साथियों ने ये कृषि के जो तीन बिल आए इस पे पहले इस इनके पे एक मैं आपके एक मिनट लूंगा, शराब घोटाले पेपर इसलिए लूंगा कि मैंने भी आज आपको एक काम रोको प्रस्ताव दे रखा था, आपने मुझे आज फिर उसके बारे में नहीं बताया कि उस पर आपने क्या फैसला किया है। काम रोको प्रस्ताव में मोशन जो था ना इनका, आज जो आया आज
था वॉकआउट। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया। आपको बता दें कि सदन से कांग्रेस का वॉकआउट हुआ, जहां पर किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस